रहेगा आपके लिए, सी वाला एंटी ऑब्सेशनल चॉइस। वेरी गुड, तो आपने चुना है सी, फिर भी सोचना तो सोच सकते हो या कमिटेड हो? सर मैं तो यही चुनूंगा। लॉक कर दें? पहले कर लिया मैंने बहुत ही। अच्छा लॉक कर दें? हाँ। वेरी गुड, तो अब फिर आपने ठीक होने की तरफ चलना है, आपने ठीक होने वाला रास्ता चुना। मैंने रोना तो बहुत कर लिया। हाँ, रोना अब तक रोता ही आ रहा हूँ मैं। वेरी गुड, अब तो ठीक होना है, अब तो नया रास्ता अपना। आपका जज्बा जुनून देख के बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा जो जज्बा सब में हो ना, तो रिलीजियस ओसीडी के साथ साथ बाकी ओसीडी भी गायब हो जाएंगी। पहले मैं चूज कर सकता था रोना, पर अब नहीं चूज करूंगा। वेरी गुड, तो आपका एक बनाएंगे छोटा सा इंटरव्यू, वो इंटरव्यू हजारों लोगों के लिए जीवन दाये बन जाएगा, जीवन देने वाले आप बनोगे। जी सर। पहले आप अपनी ओसीडी आज ही ठीक कर लोगे, फिर आज बात करेंगे, फिर जी सर बाकियों के लिए आपसे मैसेज लेंगे सबके लिए, ठीक है? तो अब हमने दिशा कितनी गलत तय कर ली है पहले वो जान लेते हैं। जैसे ये है हमारा माइंड, ये है इसकी स्पीड, ये टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट है, ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा गीता कोर्स के अंदर, ठीक है? तो ये पूरा टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम मन में डाटा डालते हैं उससे हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे कंप्यूटर में आप ज्यादा डाटा डालने तो स्लो हो जाता है ना, हैंग हो जाता है, वायरस आ जाते हैं। और जैसे मोबाइल में ज्यादा आप कचरा डाल दें तो हैंग हो जाता है ना जी सर, तो उससे फिर वो चलना बंद हो जाता है। वैसे ही मन है, हमारे मन में अगर डाटा ज्यादा है, विचार ज्यादा है, डर ज्यादा है, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ये हैंग हो जाएगा, जैसा कि ओसीडी में होता है। तो स्पीड स्लो में क्या है कि दुख, चिंता, डर ये महसूस होगा, और स्पीड फास्ट खुशी, मस्ती, आनंद। फिर डाटा होना अच्छी बात भी है बुरी बात भी है? डाटा देखो, काम का डाटा थोड़ा सा ही ठीक रहता है, डाटा इतना ही जरूरी है कि आपको कोई काम करना है उससे संबंधित आपके पास डाटा है बस, बाकी ये फालतू का डाटा है ना भगवान, ये सारा कचरा है, इस डाटा ने तो मरवाया है आपको, भगवान की क्या जरूरत है? वीर्य गंदा होता है, ये डाटा लेने की क्या जरूरत थी? टॉयलेट फला दिमका भगवान चिपकते हैं, भगवान सजा देते हैं, पाप देते हैं, नरक देते हैं, ये डाटा ही गलत है ना, ये डाटा लेने की क्या जरूरत थी? इसके बगैर कौन सा काम आपका अटक रहा था? आपको तो काम करना था, अपनी जॉब या पढ़ाई जो उससे उसमें फोकस करना था, ये गलत जगह पर आपने फोकस कर दिया तो डाटा आ गया ना जी सर। इसी डाटा से फिर आप बीमार हो गए, स्पीड स्लो हो गई। तो स्लो स्पीड में दुख, चिंता, घबराहट ही होती है, फास्ट स्पीड में आनंद, मस्ती। तो मन की स्पीड स्लो होती है डेटा से, और डेटा आता है बाहर से, ठीक है? सबसे पहले परिवार ने डेटा डाला मन में, माता पिता डेटा डालते हैं, उसके बाद समाज डेटा डालता है, जाति पाति का, धारणाओं का, ऊंच नीच का, उसके बाद स्कूल एजुकेशन सिस्टम डेटा डालता है कि तू कामयाब नहीं हो पाएगा, तू कमजोर, तू बुद्धिमान, तू ये नालायक, फलां दिमका गधा, जो टीचर लोग हैं वो सारा डाटा ही भरते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये पप्पू धदू धार्मिक लोग, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने सबसे ज्यादा गंदा डाटा डाला। फिर ये धार्मिक किताबें वगैरह डाटा डालती हैं, और इसके अलावा ये अब सोशल मीडिया डाटा डाल रहा है। तो यहां से डाटा आया है मन में जी, इस डाटा ने बीमार किया है, ये कचरा है। घर वाले सबसे पहले कचरा मन में डालते हैं, घर वाले सिखाते हैं कि ये हनुमान जी हैं, ये शिव जी हैं, घर से शुरुआत होती है। तो अगर आप मुसलमान घर में पैदा होते तो अल्लाह, हाँ तो अल्लाह का डाटा आ जाता, बाकी आता ये हनुमान जी तो आता ही ना, तो इसका मतलब ये डाटा बाहर से लिया आपने जी सर। अगर आप चाइनीज में पैदा हो जाते तो चाइना में महात्मा बुद्ध, हाँ तो अलग अलग डाटा आता ना, सबके अलग भगवान हाँ, के डाटा है। तो जिस समाज में रहोगे वैसा डाटा आएगा, और जिन पप्पू ददुओं को सुनोगे वो अपनी महात्मा बताएंगे, हाँ वो अपना ही डाटा कचरा भरेंगे ना, जिसके पास इतना कचरा है वो दूसरा एक अंदर भरता है। मेरे ये गुरु है, मैंने हाँ, कोई गुरु की जरूरत नहीं है, वो सारे पाखंडी होते हैं, वो कहते हैं मैं पाखंडी, मेरे से बड़ा एक और पाखंडी, मेरे से बड़ा तीसरा पाखंडी, वो कहते हैं ना महामूर्खों का एक सम्मेलन है, उसमें सारे मूर्ख मूर्ख इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है? तो उन मूर्खों ने डाटा भरा, उसके बाद स्कूल ने, उन्होंने नंबर के लिए दौड़ भाग शुरू कर दी, और कुछ नहीं, अक्सर ज्ञानी जरूर बना दिया लेकिन जीवन लायक नहीं छोड़ा।
स्कूल से आया, आजकल सोशल मीडिया बहुत डाटा भरता है जी। तो ये डाटा भरने वाले सोर्स हैं जहां से डाटा आया, तो आपके अंदर भी तो डाटा इन्हीं माध्यमों से आया है। अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हो जिसमें जय श्री कृष्णा दिखाते हैं, जय हनुमान पहले आता था, रामायण आती है, या और अब तो आजकल तो ओम नमः शिवाय, माता पिता पता नहीं कितने सीरियल आ गए, सारे नकली हैं, एकदम नकली चीजें हैं। ऐसी ना कोई शक्ति होती जो उनके अंदर से निकलती है, ऐसे वो सुंदर सुंदर बन के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी सजावट सारा काल्पनिक है, ये आदमी ही है, भगवान का कोई रूप नहीं होता, वो निराकार है, प्रकृति के नियम है। जो बारिश आ रही है, धरती घूम रही है, जो ये इतनी शक्तियां लिए बैठे हैं, उनको कहो भी भूकंप रोक दें, कोई भूकंप रोक सकता है? तो भूकंप तो चलो बहुत बड़ी चीज है, उनको कहो कि जो मुगल आए, मराठे आए, जो इतने साल अंग्रेज रहे, उनको उन्होंने क्यों नहीं रोका? उनके पास तो ऐसे शक्ति थी, ऐसे तीर चलाते थे। तो ये तीरों वाले एक भगवान उस समय अपने मंदिर ही नहीं बचा पाए जी सर। महमूद गजनवी था या गोरी था जिसने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा? जो भगवान अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे जी सर? जो अंग्रेजों को पाप नहीं दे सके, नरक में नहीं डाल सके, आपको क्यों नहीं डालेंगे? तो भोले वाले, आपने क्या बिगाड़ा उनका? उन्होंने तो मंदिर भी तोड़ दिए, मूर्तियां भी जला दी, उनको नरक में डालना चाहिए था या आपको? उनको तो उनको क्यों नहीं डाला? फिर होता ही नहीं है सर, है नकली है भी। तो जो बाबर या बहुत से आए ना, मुगल सम्राट या जो भी और भी कोई आया भारत के अंदर आक्रमणकारी, बहुत से ने लूटा ना, उनको क्यों नहीं नरक में डाला, उनको क्यों नहीं सजा दी? उनका तो उनसे अच्छा हो रहा है, है? उनका अच्छा हो रहा है, लूट, हाँ अच्छा हुआ, हमारा नुकसान हुआ। हाँ तो बताओ उस समय कहाँ बैठ गए थे ये? होते नहीं। इसका मतलब ये भगवान तो भाई कमजोर के ऊपर तो धौंस दिखाते हैं और ताकतवर से डरते हैं। तो ये जो दूसरों से भगवान जो ताकतवर से डरता है, वो भगवान का है का हुआ? सर ये तो मुझे पता है, सृष्टि की रचना भी कैसी हुई है सर। हाँ कैसी हुई है सर? 450 करोड़ पता नहीं कितने पहले हुई थी। हाँ। अंतरिक्ष में हुआ था सर, गैस वो बिग बैंग या जो सुपरनोवा ऐसा मानते हैं जी सर। हाँ। उससे पृथ्वी बनी थी, फिर एक कण आया था, उससे मछली बन गई, मछली से मगरमच्छ, फिर ऐसी कई शाखाएं बनती गई प्राणियों की। तो उसमें से एक हम है, एक कोशिकीय द्वि कोशिकीय बने। हाँ सर, सर ऐसे तो फिर भगवान का रोल कहाँ तो है? तो भगवान कहते हैं ना, भगवान की तो वो पसीने से भी बन जाता है, ये तो नकली ऐसा सारा। कोई कोई ऐसे देख लेता है, कोई गर्भवती हो जाती है किसी, कोई घोड़े से आदमी बन जाता है, कोई आदमी से घोड़ा बन जाता है। पहले तो कपड़े भी नहीं देते, यूं ही रहते थे। हाँ तो वो तो आदिमानव जी सर का समय था ना, तो आग की खोज भी आदिमानव ने की, पहिया ऐसे आविष्कार हो गए ना धीरे धीरे, फिर साइंस आई जी सर। भारत में आदिमानव है, उनके उनमें नहीं है कोई डाटा। हाँ। तो अलग से रहते हैं। हाँ। तो होता ही नहीं, अगर होता तो उनको ही पता होता। तो बताओ ये तो इन पप्पू ददुओं ने डाटा डाला है ना सर। तो टीवी सीरियल में जो आपने देखा वो नकली है, यूजलेस है, वो फेक डाटा है। आज से टीवी कोई फोड़ दो। मैंने तो टीवी को फोड़ ही दिया, ये इडियट बॉक्स है जी सर। यूट्यूब पे लगभग 99% डाटा नकली है। यूट्यूब में सिर्फ एक दो चैनल काम के हैं, बाकी चैनल ही नकली हैं, उनको देखना ही बंद करो। फेसबुक तो नकली, इंस्टाग्राम नकली, सोशल मीडिया पर जो आ रहा है वो सारा ही नकली है। उनका साइकोलॉजिकली कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सोशल मीडिया से दूरी बना लो, सही रहोगे। क्या समझे? मतलब इन नकली चीजों से दूर रखो, जो मतलब इनसे दूर रहना है, जो चीज पता है ना तुझे सही है वो ही करनी है, जो मन को अच्छा लगे। हाँ, और ये जो कोई गीता की कथा करता, गीता की तो कथा करती नहीं है, तो भागवत करते हैं, करते हैं गीता, हाँ, हमारे गांव में भी की थी सर। हाँ, तो ये सारा नकली सौदा है जी सर, वो आपको डरा के पैसे इकट्ठे करके भाग जाएंगे जी सर। तो मैं तो गया ही नहीं इसमें, गया नहीं तो बच गए, डाटा लेने से बच गए। लेकिन बहुत से लोग रात दिन ये कचरा भरते रहते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। उनका वो बिजनेस है सर, उनका तो बिजनेस है, क्या करें, भूखे मरते हो, भगवान को ही बेच रहे हैं ना जी सर। उनका भगवान सिर्फ कहानियों और किस्सों में ही पावरफुल है, रियलिटी में उसका कोई यूज नहीं। सुनने में तो बहुत पावरफुल नजर आएगा, लेकिन जब करने की बारी आएगी तब चलेगा नहीं। जैसे होता ना, ये बम है, इससे 100 लोग मर जाते हैं, जब युद्ध में जब फेंकते हैं तो कोई चींटी नहीं मरती, ऐसा है भगवान।
वास्तविक और काल्पनिक के बीच दीवार खींच दी है। हाँ, तो ये सिर्फ वैसे ही शक्तियां जोड़ दी गई हैं ना, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कोई आदमी का नाम नहीं है, कुदरत के नियम है। जैसे धरती घूम रही है, धरती कितनी स्पीड से घूम रही है ना जी सर, इतनी 2900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शायद घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, और पता नहीं मेरे को ये एग्जैक्ट डाटा नहीं पता मुझे भी सर। और अपनी धुरी के इर्द गिर्द भी तो घूम रही है जी सर, एक सेकंड में पता नहीं कितनी घूम जाती है। तो ये नियम है, सूरज अपनी आकाश गंगा के इर्द गिर्द घूम रहा है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। हाँ, तो प्लैनेट हैं, ऐसे ही प्लैनेट बनते रहते हैं जी सर, प्लूटो था वो चला गया। हाँ, तो ऐसे ही बनेंगे फिर मिट जाएंगे, तो ये नियम है। तो एक धरती पर ही सारे भगवान इकट्ठे हो गए, बाकी ग्रहों पर क्यों नहीं गए सर, जब पृथ्वी भी खत्म होने वाली है कभी ना कभी। हाँ, तो सारी चीजें पृथ्वी खत्म हो जाएंगी, नहीं बन जाएगा कहीं और, तो बाकी मंगल ग्रह पर भगवान क्यों नहीं रहते, वहां जीवन लायक चीजें नहीं है ना। हाँ, जीवन नहीं, वो तो फिर पावरफुल है तो कहीं रह लें, चंद्रमा पर रह लें। पहले कहते ना चंद्रमा देवता है, ये वो है जी सर। तो चंद्रमा पर आप तो जाकर देख लिया, कोई देवता नहीं है, कोई नहीं। धरती कोई कहते तो शेषनाग पर टिकी है, भाई धरती तो स्पेस में घूम रही है चारों तरफ से देख लिया। सूरज पे कभी कोई जा नहीं सकता है, तो उसको भी मान ही रहे पर होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं, गैस का गोला है, वहां पर तो इतनी आग है कि कोई नहीं पहुंच सकता जी सर। तो सूरज कोई देवता थोड़ी ना है, तो ये नकली बनाए गए हैं। इंसान इतना ज्यादा डरपोक था कि उसको एक अदृश्य शक्ति पर भरोसा करना ही था, भगवान बस ये शरण पर वो चमत्कार पे विश्वास करता है, ये मनुष्य चमत्कार। हाँ, तो उससे क्या है कि उसको लगता है कि कोई पावरफुल है, हमें अपने से ज्यादा कोई पावरफुल चीज चाहिए ना जिस पर विश्वास हो जी सर। तो भगवान को फिर पावरफुल बना लिया गया, सोच के पावरें उसमें घुसेड़ते गए। जब आज से हजारों साल पहले आंधी आती थी तो आदि मानव डर जाया करता था कि आंधी आई है, कोई ना कोई शक्ति है, तो उसे पता तो था नहीं भी नियम क्या है, तो उसे लगता भी कोई देवता है, तो उसने आंधी का देवता बना लिया, इंद्र देवता, वायु देवता, ऐसे देवताओं, ये प्राकृतिक शक्तियों को ही उसने देवता बना लिया, उन्हीं शक्तियों की फिर वो पूजा करने लगा। जब ये प्राकृतिक कारणों से आंधी आती, बारिश आती, तो उसे लगता कि कोई देवता नाराज हो गया है, तो उसको शांत करने के लिए पूजा करता। और जब अपने आप कुदरती नियमों से आग बुझती या बारिश कम होती या बाढ़ सूख जाती या आंधी रुक जाती, तो उसे लगता कि उसकी पूजा करने से ही वो शक्ति शांत हुई है। तो ऐसे तरीके से वो भ्रम आगे से आगे बढ़ाता गया और आगे से आगे काल्पनिक भगवान बनाता गया। फिर हिंदुओं ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, हिंदुओं ने तो 36 करोड़ तक ले गए, जितने हिंदू है उतने भगवान है, लेकिन गरीब हिंदू क्यों है, एक एक बंदे के हिस्से में एक एक भगवान आ जाए और सारे के सारे पावरफुल, छू इतना करते ही तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो हिंदुओं को अमीर क्यों नहीं बना देते, हिंदुओं ने कोई आविष्कार क्यों नहीं किया, सारी टेक्नोलॉजी बाहर से आई जी सर, हम तो रह गए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही भगवान को पावरफुल बनाने में, तो अब टेक्नोलॉजी का यूज भगवान को पावरफुल बनाने में कर रहे हैं। सर मैंने तो एक बात भी, खुद पर विश्वास रखना है सर, तो खुद ही है ना, हम खुद के भगवान खुद ही हैं जी सर, खुद से बड़ा कुछ भी नहीं है, खुद के मालिक खुद बनना है, गुलाम नहीं बनना है, अब इन पप्पू ददुओं का गुलाम नहीं बनना है। क्या सीखे बस अब, ये सारा डर नकली है एकदम, जब इसको ही काट दोगे तो फिर आपको आंखें झपकने की और भगवान से दूर रहने की जरूरत है, जब यही सारा नकली है कि पाप कहीं होता ही नहीं, पाप वो होता है खुद को दुखी रखना ही पाप है, पाप पुण्य मन में ही है, जब आप खुश हो आनंद में हो तो आप पुण्य में हो, जब आप दुखी हो परेशान हो तो आप पाप कर रहे हो ना, खुद को दुखी करना खुद को सजा देना ही पाप है। डेटा भरना, दूसरों की सुनना, दूसरों के सुने अनुसार चलना ही पाप है। क्या है आज से पाप पुण्य की परिभाषाएं आप लिख लो, क्या पाप पुण्य की परिभाषा है, पाप पुण्य यही नकली है सर। हाँ, ये नकली है, अगर आपने इन धार्मिक बंदों की बातें सुनी तो पाप है, उन बातों के अनुसार चले तो पाप है, खुद को दुखी रखना पाप है। हाँ, खुद को दुखी रखना, खुद को परेशान रखना ही पाप है, अपने कर्म से दूर रहना ही पाप है, अपने कर्म में डूबना, काम करना, खुश रहना पुण्य है, खुशी आनंद मस्ती पुण्य है, ठीक है। और नरक क्या है, नरक एक वो खौफनाक जगह जहां पर बहुत यातनाएं हैं,
जब हम खुद को परेशान करते हैं तो हम नरक में होते हैं ना। मानसिक पीड़ा, मानसिक दर्द, चिंता, घबराहट, ये नरक ही तो है। हम नरक ही तो भोग रहे हैं ना। ओसीडी नरक ही तो है। बाय चांस मैंने एक्सपोजर कर लिया तो फिर जब ये डाउट होता है अगर हो गया तो ये भी ओसीडी है। हाँ, ये डाउट ही ओसीडी है ना। शक होना ये हो जाएगा, ये शक वहम ये ओसीडी है। सारा ओसीडी का ही विचार है ही नकली जी। इस ये विचार को ज्यादा बुलाना है कि हाँ मैंने कर दिया, जा बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा। गाली थेरेपी सीखेंगे अभी, सारा गाली के साथ प्रयोग करना है जी सर। तो नरक है मानसिक रूप से कष्ट भोगना, नरक है मानसिक रूप से कष्ट भोगना, स्वर्ग है खुश रहना, आनंदित रहना, यही स्वर्ग है। स्वर्ग में रहना है तो फिर इन पप्पू ददुओं को अवॉइड करना होगा, इनसे दूर रहना है। धार्मिक लोगों से, धार्मिक किताबों से, धार्मिक सीरियलों से, जहां धर्म ध्यान की बात हो वहां से भाग जाओ, बच जाओगे तो जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, कितने ठीक हो गए? 60-70। अरे वाह, वेरी गुड, फिर तो पार्टी बनती है। आज क्या करने वाले हो? आज एक्सपोजर। अच्छा, एक्सपोजर तो करेंगे। आज पप्पू ददुओं को गाली भी निकालेंगे, इनको पीटेंगे 20 सालों कुत्तों को। जिन जिन लोगों की बातें आपने सुनी, जिन लोगों ने पाप का कहा, जिन लोगों ने परिवार का बुरा हो जाएगा या सजा का कहा, नरक का कहा ना, उनके सबके नाम लिखोगे 20 सालों के, उनको नाम लिख के आज पीटेंगे, उनकी दुलाई करने वाले हैं जी। ठीक है, और गाली भी आप निकालेंगे। तो ये थेरेपी अभी करेंगे, ये थेरेपी करते ही आप ठीक हो जाओगे। तो अब ये समझ गए कि डेटा बाहर से आया है जी सर, इतना समझ गए ना, बाहर से आया है। हाँ, फिर इसी डेटा ने बीमारी पैदा कर दी, इसी डेटा ने फिर रिलीजियस ओसीडी नामक बीमारी पैदा कर दी, शुरू कर दी। तो सबसे ज्यादा अब इस बीमारी का ही डेटा इसमें आ रहा है। ये एक तो पुराना डाटा हमारे अंदर है, दूसरा कि इस बीमारी ने इसमें डाटा भरना आरंभ कर दी सर। अब रोज डाटा ही आ रहा है इसमें। अब जितना भगवान से दूर रहोगे उतना डाटा ऐड होता जाएगा। भगवान से जितना दूर रहोगे, भगवान से मतलब मूर्तियों से, मतलब जहां डर लगता है उस चीज से दूर रहोगे उससे डाटा ऐड होगा। समझ गए? और जितनी माफी मांगोगे, मन्नत मांगोगे, आंखें झपकोगे, हाथ झपकोगे, उससे भी डाटा बढ़ेगा, बढ़ेगा, ऐड होगा, उससे और ज्यादा बीमार हो जाओगे। और इस पाप पुण्य के नरक के खतरे को रियल मानोगे, इससे भी डाटा ऐड हो जाएगा। और इस विचार को जितना महत्व दोगे, वैल्यू दोगे, इसे जितना सच मानोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। तो ये 4 रास्ते हैं जहां से आप रोज डाटा ऐड कर रहे हो, तो आप रोज रोज बीमारी तो होते जा रहे हो। बीमारी रहना ही पाप है। हाँ, बीमार रहना पाप है। तो अब आप समझ लो कि आप रोज बीमार होते जा रहे हो, क्योंकि रोज डाटा ही तो भर रहे हो ना दिमाग में, कचरा और भर रहे हो। पहले इन पप्पू ददुओं ने भरा, अब आप खुद रिलीजियस ओसीडी के कारण कचरा भर रहे हो, तो बीमारी होते जा रहे हैं ना रोज रोज। क्या समझे सर? ये डीसीबी से अब डेटा ही भरता जा रहा है, जितना ज्यादा डेटा बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हाँ, बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो अब देखते हैं कितना कचरा आपके अंदर आ गया है, उसको देख लेते हैं, नंबर की फॉर्म में देखते हैं कितना कचरा आपने भर लिया है। तो अब भगवान से दूर कितने सालों से रह रहे हो? सर दो सालों दो से हो गया। एक दिन में भगवान से हटने वाले विचार कितनी बार आते हैं? मतलब हर विचार में, मतलब भगवान की बात तो है, मतलब आते होंगे सर, कई बार ही आते हैं। कितने एक दिन में काउंट करें तो कितने के विचार होंगे? सर कल से तो आया नहीं मेरे, कल से तो यहाँ आना था। ज्यादा आता है सर घर पे। एक दिन में कितने का जाते हैं? 200 बार एक दिन में आते हैं, तो एक महीने में 31 दिन होते हैं। मनीष देखना कितना हो गया, एक महीने में कितने विचार हो गए? हाँ, 200 गुना में 31। 200 गुना में 31 कितना डाटा हो गया? 30 कर लो, 6200 गुना में 2 साल से है ना, 12-24 महीने वो हो गए, 24 1,48,800 ये इतना डाटा इकट्ठा कर लिया आपने।
अवॉइडेंस का 1,48,800, ठीक है। और आंखें झपकना, माफी मांगना, ये कितनी बार करते हो दिन में, ठीक है बताओ, ये कितनी बार हो जाता है? ये कम हो जाता, 20-30 बार ही। हाँ 50 बार मान लेते हैं, तो इससे आधा डाटा कर लेते हैं, तो ये भी 100,000 मान लेते हैं, ठीक है। 100,000 डाटा ये हो गया, और ये पाप का, पुण्य का, बैड लक का, अगर ये आएंगे तो समझ लो सर ये भी आएगा ही। हाँ, ये कितना विचार आता है दिन में, कितनी बार आता है? सर सब मैंने कह दिया कि मेरे कई जो सारे विचार है ना, इनकी जड़ एक ही है। हाँ, ये कितनी बार चलता है? चलता ही सारा दिन, 200 आता है, 200 गुना में चार करना, ये विचार चलते हैं तो फिर ये विचार भी आता ही है। हाँ 200 गुना में चार, 200 गुना में 800 गुना में 31, क्योंकि एक महीने में देखते हैं 24,800 गुना में 12, 24, 5,95,200, 5,00,000, 6,00,000 मान लेते हैं। ये 6,00,000 का डाटा है आपके पास डर वाला, और ये पैर चिपकना ये भी इतनी बार आता ही होगा, ये तो इससे ज्यादा आता होगा, ये तो 10,00,000 का डाटा ये है, तो आपके पास लगभग ले दे करके 20,00,000 का डाटा है। 20,00,000 के अमीर हो भाई, इतने 2 साल में 20,00,000 कमा लिए आपने, वेरी गुड। फिर कहते हो कि पैसे नहीं है, 20,00,000 कहां से ले आए भाई बताओ, बोलो। 20,00,000 अपने इनसे बच बच कर से अवॉइडेंस कर कर, अवॉइडेंस डूइंग, डर डर के विचारों से 20,00,000 इकट्ठा कर लिया डाटा, और खास बात यह कि रोज करते जा रहे हो, वो भी गलत डाटा। अच्छा हाँ, तो ये 20,00,000 है, 1 करोड़ में हो जाएगा, और 1 करोड़ से टप गया फिर ठीक होना भी मुश्किल हो जाएगा। जी सर, तो अभी बैक जाना है तो मैं जीरो हटानी है इनकी, जीरो सारी हटानी है। तो अब आपको दो काम करने होंगे, एक तो कि नया डाटा ऐड नहीं करना, स्टॉप, नया डाटा बिल्कुल नहीं लेना, और दूसरा कि जो डाटा ले लिया उसे डिलीट करना। ये दो परम सिद्धांत आपने अब अपनाने ही अपनाने हैं। कौन कौन से? नया डाटा नहीं लेना और जो पहले डाटा था उसको माइनस में करना। हाँ बस ये बात अब आपने पल्ले बांध लेनी है, गांठ बांध लेनी है कि नया डाटा तो लेना ही नहीं है और पुराना डाटा उसे डिलीट करना है। नया डाटा अब तो बस, नया डाटा आया भी तो समझना है वो नकली डाटा है वो भी। हाँ विचार आएगा नकली समझ के उसको गाली देके भगा देना है, वो अभी तरीका बताऊंगा। क्योंकि लोग ओसीडी के इलाज में फेल इसलिए हो जाते हैं कि या तो वो पुराना डाटा डिलीट नहीं करते या वो नया लेना बंद नहीं करते, वो दोनों एक साथ नहीं करते, वो या तो नया नहीं लेंगे लेकिन वो पुराने वाला तो है, वो कभी घबराहट आई या कभी चिंता आई तो पुराना डाटा फिर से बीमारी पैदा कर देता है, इसीलिए ओसीडी दोबारा हो जाती है। सर एक बात ये समझनी है, घबराहट तो होएगी वो तो, हाँ वो तो नेचुरल है, दिमाग का बचने का है वो। हाँ घबराहट तो नेचुरल है जी सर, तो अगर आपने पुराना डाटा डिलीट नहीं किया तो ओसीडी दोबारा हो जाती है जी सर, क्योंकि एक बार तो आपने नया लेना बंद कर दिया लेकिन पुराना डाटा डिलीट नहीं किया तो वो दोबारा हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि सर ओसीडी एक बार ठीक हो गई दोबारा हो गई, तो दोबारा इसलिए हुई कि पुराना डाटा तो उन्होंने डिलीट ही नहीं किया था, और ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि वो नया डाटा लेना बंद नहीं करते, रोज रोज नया डाटा तो लेते रहते हैं जी सर, तो इसलिए ठीक नहीं होती। तो अब दो क्या चीजें करनी है, डेटा ऐड नहीं करना, हाँ, और जो पुराना डाटा है वो माइनस में करना है। वेरी गुड, तो यही इलाज है। तो अब पुराना डाटा डिलीट कैसे करना है और नया लेना बंद कैसे करना है ये अब सीखते हैं।